उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले। शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 25/1/13 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग, हम सभी चाहते हैं कि हम बाबा के ज्ञान में चलें तो हमारी बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए ताकि हम अच्छी प्लान, अच्छे अच्छे सेवा के प्लान्स करें, फिर उसको हम प्रैक्टिकल में लाएं और फिर दूसरों की खूब अच्छी तरह सेवा करें। परंतु बुद्धि को रिफाइन करने के लिए हम क्या करें? तो आज मीठे मीठे बाप दादा ने हमें उस बात का जवाब दिया है। तो प्राण प्यारे मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे अर्थात ज्ञान की सेवा करनी आवश्यक है, उतना बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में भी ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, तो नेचुरली सेवा ज्यादा होगी। प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं और उन दोनों में अंतर क्या है? अब चेकिंग का वक्त आ गया, हर एक स्वयं की चेकिंग करें कि कौन से दो प्रकार के बच्चे हैं और मैं उसमें से कौन से प्रकार का बच्चा हूं। उत्तर है, बाप के पास एक है लगे सौतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। लगे बच्चे यानी सौतेले बच्चे मुख से सिर्फ मम्मा बाबा कहते लेकिन श्री मत पर पूरा चल नहीं सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं कि जिन बच्चों का बाप से हड्डी प्यार होता है, अंदर का दिल का प्यार होता है, जिसे हम सगे बच्चे कहें, तो वो सगे बच्चे क्या करेंगे? माँ बाप की पूरी सेवा करेंगे, स्नेह भी पूरा होगा, समीप भी वो होंगे और उनको पूरा हर प्रकार से वो सहयोग भी देंगे। और फिर जो लगे बच्चे सौतेले बच्चे हैं सगे लेकिन व्यवहार उनका सौतेले बच्चों की तरह कि माता पिता को माता पिता तो कह देंगे परंतु उनके प्रति जो फर्ज निभाने हैं, जो कर्तव्य करना है, वो नहीं कर पाएंगे। तो बाप के पास एक है लगे सौतेले बच्चे, दूसरे है सगे मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते लेकिन श्री मत पर पूरा चल नहीं सकते और वो पूरा पूरा बलिहार भी नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम पर श्री मत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते क्या होता है उनका हाल, वो गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरे निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत भी बड़ा प्यारा बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। धारणा के लिए मुख्य सार रूप में दो बिंदु, नंबर एक है अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है, खूब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। नंबर दो है कोई भी डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी कार्य नहीं करना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान है आज का, बैलेंस की विशेषता को धारण कर
यानी संतुलन की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले, आशीर्वाद देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है, सर्व को ब्लेसिंग देना, चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मणि के द्वारा दो, जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा कि कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की भी कैसी कमाल थी। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय भी कम और मेहनत भी कम और फिर रिजल्ट ज्यादा निकलती है। तो आत्मिक स्वरूप में सबको ब्लेसिंग्स देते चलो। स्लोगन है आज का, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सागर का अनुभव कराना ही लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।